हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरिश और आप देख रहे हैं सिविलियंस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन करा था डिज़ाइन ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल और डिज़ाइन ऑफ बॉटम रिंग बीम। इस लेक्चर में हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम और डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम। इन दोनों चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो आइए, डिज़ाइन ऑफ को सबसे पहले हम डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम। डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम, फिफ्थ कॉम्पोनेंट डिज़ाइन ऑफ डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम। देखिए, डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये आपका टॉप डोम डिज़ाइन हो चुका है, टॉप रिंग बीम डिज़ाइन हो चुका है, सिलेंड्रिकल वॉल या फिर आप कह सकते हो सर्कुलर वॉल आपकी डिज़ाइन हो चुकी है, बॉटम रिंग बीम आपकी डिज़ाइन हो चुकी है। अब आते हैं आपके कोनिकल डोम, आपके कोनिकल डोम। अब आपके बचते हैं, अब एक आपका कोनिकल डोम आपका डिज़ाइन, इस लेक्चर में कोनिकल डोम हम डिज़ाइन करेंगे और हम बॉटम डोम डिज़ाइन करेंगे। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम इस लेक्चर में डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन ऑफ कोनिकल डोम डिज़ाइन करेंगे। तो कोनिकल डोम में सबसे पहला पार्ट जो हम करते हैं, हम हर अपने सॉल्यूशन में पार्ट्स बांट देते हैं। तो इसमें भी ए पार्ट हमारे पास ये रहेगा, हम लोड्स निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? लोड्स निकालेंगे। लोड्स कैसे? लोड्स ऐसे कि इस कोनिकल डोम के ऊपर इन सब कंपोनेंट्स का कितना कितना लोड लग रहा है, इन सब कंपोनेंट्स का कितना कितना लोड लग रहा है वो हम निकालेंगे। टॉप डोम का भी लग रहा होगा, सिलेंड्रिकल वॉल का भी लग रहा होगा, टॉप रिंग बीम का भी लग रहा होगा, बॉटम रिंग बीम का भी लग रहा होगा, टॉप डोम का सेल्फ वेट भी लग रहा होगा। तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेट फ्रॉम डोम वॉल एंड बीम्स, वेट फ्रॉम या फिर आप कह सकते हो लोड, लोड फ्रॉम डोम टॉप, डोम वॉल मतलब सिलेंड्रिकल वॉल, बीम्स मतलब टॉप रिंग बीम, बॉटम रिंग बीम, इन सब का, या फिर आप कह सकते हो बाय सिलेंड्रिकल वॉल से, आप कह सकते हो सिलेंड्रिकल वॉल, वॉल का सिलेंड्रिकल वॉल से आप कह सकते हो। तो इन सब का क्या लगेगा? इन सब का आप फॉर्मूला ले सकते हो, इन सब के फॉर्मूले से कर सकते हो, ओमेगा वन पाई डी। ओमेगा वन क्या था? ओमेगा वन था गाइस जब आपने टोटल लोड निकाला था, जो आपने टोटल लोड निकाला था, टोटल लोड ऑन बीम हमने निकाला था बॉटम रिंग बीम पे। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉटम रिंग बीम तक का तो लोड हमें पता चल गया है, हमने सिलेंड्रिकल वॉल में निकाल लिया था। बॉटम रिंग बीम पे जितना लोड लग रहा था, बॉटम रिंग बीम में जो लोड लग रहा था वो इन सबको कवर कर रहा था, सब लोड्स को। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इज इक्वल्स टू ओमेगा वन पाई डी। अब आपको पता है कि ओमेगा वन कितना आया था? ओमेगा वन आपके पास आया था 34.2 किलो न्यूटन पर मीटर, आपके पास आया था 34.2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डी। डी तो आपको पता ही है, डी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। तो आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 967 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। अब वेट ऑफ वाटर भी तो होगा उसके ऊपर, वाटर होगा उसका भी तो वेट होगा, लोड ऑफ वाटर या फिर वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे? वेट ऑफ वाटर आप निकालो एक्चुअल वॉल्यूम जो भी होगा टैंक का, उसको गामा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। मेरा कहने का मतलब है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक इंटू गामा ओमेगा से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक्चुअल वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक आप कैसे निकालोगे? तो गाइस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक लेने के लिए मैंने आपके लिए पहले से निकाल रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच टू प्लस पाई बाई 12 एच थ्री, डी स्क्वायर प्लस डी नॉट स्क्वायर प्लस का डी डी नॉट माइनस का पाई बाई 3 एच फोर स्क्वायर 3 R2 माइनस का एच फोर। तो आपके पास एच फोर की वैल्यू सब आपको पता है, आपने सब वैल्यू डी की रख दी, एच टू की रख दी, वैल्यू सब पुट कर दी आपने निकाल कर। जब आपको एच वन एच टू एच थ्री एच फोर इन सब की डी और डी नॉट ये सब वैल्यूज पता होंगी, आप इसमें पुट करोगे और आप इसमें से एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लोगे। ये आपका आ गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक 272.84। तो इसी को आपको एक्चुअल, यही तो आपसे पूछ रहा है, यही तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक ही तो पूछ रहा है आपसे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो 272.84, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ टैंक आपका आ गया 272.84
ठीक, इंटू गामा ओमेगा, गामा ओमेगा हम ले लेंगे 9.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2673 2673.83 किलो न्यूटन। एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, वेट आ गया वाटर का। और क्या होगा, सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम होगा, सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो हमने ही निकाल लिया लोड, एक ये वेट निकाल लिया, और सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम भी तो होगा, तो हम ले लेंगे सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम। तो गाइस सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम का एक अलग फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, हर चीज़ को हम फॉर्मूले के तरीके से हम सीख सकते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम का आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है, पाई इंटू डी एवरेज, मैं आप सब आपको समझाऊंगा, डी एवरेज इंटू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट इंटू टी इंटू डेंसिटी ऑफ आर सी सी। तो देखिए सेल्फ वेट ऑफ कोनिकल डोम, मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो बात ये थी कि अगर आपको निकालना है, अगर आपको सेल्फ वेट निकालना है तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, और मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी तो आपको पता होगा कि डेंसिटी आपकी आर सी सी की हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा गाइस आपका, आपका जो वॉल्यूम होगा वो तीन पे डिपेंड होगा, ठीक है। एक तो कोनिकल डोम अगर है, फॉर एग्जाम्पल एक कोनिकल डोम, फॉर एग्जाम्पल एक कोनिकल आपका डोम है, इसी तरीके से है आपका, ठीक है। तो ये आपका फॉर एग्जाम्पल एक कोनिकल डोम है, इस तरीके से कोनिकल डोम बनेगा, तो ये आपकी उसकी स्लेंट हाइट है, ये सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल वॉल ही आपकी स्लेंट हाइट है, तो ये तो स्लेंट हाइट, तो वो स्लेंट हाइट ये होती है आपकी। और डी एवरेज मतलब कि यहाँ से डायमीटर, डायमीटर जो होगा इसका, जो भी होगा उसका डी एवरेज ले लेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका स्लेंट हाइट इंटू थिकनेस, थिकनेस आपको क्या होगी, थिकनेस आपको लेनी पड़ेगी स्लेंट कोनिकल डोम की। तो हमको थिकनेस मान लेते हैं, लेट थिकनेस जो होगी, थिकनेस हमने मान लेती है, मान लेते हैं थिकनेस को 200 mm मान लेते हैं, बी 200 mm हम थिकनेस को क्या मान लेते हैं, 200 mm हम थिकनेस को मान लेते हैं। उसके बाद ये आपके पास आएगा 0.2 मीटर आ जाएगा इसमें। तो आपको स्लेंट हाइट निकालनी है, पाई डी एवरेज, डी एवरेज आपका क्या हो जाएगा, डी एवरेज आपका हो जाएगा, आप निकाल सकते हो डी एवरेज, डी एवरेज आपका हो जाएगा डी प्लस का डी नॉट, ठीक है, डी प्लस का डी नॉट बाय टू, ठीक है, कह सकते हो दोनों का एवरेज, टॉप डायमीटर बॉटम डायमीटर डिवाइडेड बाय टू। टॉप डायमीटर 9 था और बॉटम डायमीटर 5.4 था, मैंने सारी वैल्यूज आपके लिए निकाल रखी थी, टॉप डोम बॉटम डोम डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, हम सॉल्व कर लेते हैं, नाइन प्लस 5.4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपके पास 7.2, ये आ जाएगा आपके पास 7.2। हमारे पास डी एवरेज भी आ गया, स्लेंट हाइट थिकनेस भी हमारे पास आ गई, डेंसिटी ऑफ आरसीसी हमें पता है। तो स्लेंट हाइट कैसे निकालेंगे, स्लेंट हाइट को हम ले सकते हैं इसको, इसको हम एल स्लेंट एच एस एच मान लेते हैं। तो स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लेंट हाइट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, अंडर रूट, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री बनना है, जब ये आपको 90 डिग्री आएगा, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है H3, हाइट ऑफ कोनिकल डोम, ये हमारे पास H3 है, तो ये हमारे पास H3 हो गई। यहाँ से डी एवरेज लेकर आप स्लेंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, आप कह सकते हो डी माइनस का डी माइनस डी नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस का H3 का होल स्क्वायर, ये आप कह सकते हो। तो उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो, जब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें तो डी आपके पास 9 माइनस 5.4 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस का H3 आपके पास क्या है, H3 हमने पहले ही निकाल रखा था, H3 हमारे पास क्या था, 1.8 का होल स्क्वायर। जब आप स्लेंट हाइट यहाँ से निकाल लोगे तो आपके पास स्लेंट हाइट क्या किस तरीके से आ जाएगी, स्लेंट हाइट आ जाएगी आपकी 2. इससे सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगी आपके पास 2.6, आ जाएगी आपके पास 2.6 मीटर आ जाएगी। तो हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हम पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट करेंगे, तो कोनिकल डोम का सेल्फ वेट आपका हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी एवरेज, डी एवरेज है 7.2 इंटू स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट है 2.6, टी थिकनेस कितनी है 0.2
इंटू 0.2 इंटू डेंसिटी ऑफ आरसीसी, आपको पता ही है 25 होती है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 294.05। ठीक है गाइस, तो सेल्फ वेट ऑफ कॉनिकल डोम आ गया 294.05 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास सारा वेट आ चुका है कॉनिकल डोम पे, जितना भी वेट लग रहा है, तो हम इन सब वेट्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वेट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल वेट या फिर लोड। टोटल लोड आपके पास क्या आएगा, एक तो ये 967 प्लस का 2673.83, ये और सेल्फ वेट कितना 294.05 प्लस का 294.05, तो ये आपके पास सॉल्व होकर आप लिख लोगे तो आ जाएगा 3935 किलो न्यूटन। आपके पास आएगा 3935 किलो न्यूटन, ये आपके पास टोटल लोड आ गया। जब आपके पास टोटल आपके पास लोड आ गया तो अब आप क्या करोगे, आप मेरिडिनल फोर्स निकाल लोगे इस पर। आपने सबसे पहले डिज़ाइन कॉनिकल डोम करने के लिए कॉनिकल डोम पे टोटल लोड निकाल लिया, अब आप मेरिडिनल फोर्स निकाल लोगे। आप निकाल लोगे मेरिडिनल फोर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, V2 cos theta। अब V2 क्या होता है, cos क्या होता है, theta क्या होता है, तो V2 निकालने के लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो V2 का फॉर्मूला होता है टोटल लोड डिवाइडेड बाय पाई डी नॉट। तो V2 का आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल लोड डिवाइडेड बाय पाई डी नॉट। तो ये आपके पास V2 निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर आप यहीं से निकाल सकते हो तो यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल लोड, आपको पता ही है 3935 आया था, 3935 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू डी नॉट कितना था 5.4 आपके पास आ जाएगा। डी नॉट हमारे पास बॉटम डोम का जो डायमीटर होता है, डी नॉट मतलब यहाँ से ये जो आपके पास है D1 लिख लिया या फिर D1 कह लिया फिर D0 कह लिए, D0 ये छोटा वाला डायमीटर है, बॉटम डोम का जो डायमीटर है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपके पास आएगा 232 किलोन्यूटन पर मीटर 232 किलोन्यूटन पर मीटर आएगा। थीटा आपका कैसे निकलेगा, थीटा का आपका फॉर्मूला होता है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स डी माइनस डी नॉट अपॉन 2H3। टेन इनवर्स डी माइनस डी नॉट अपॉन 2H3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स डी 9 माइनस का 5.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू H3। H3 हमारा था 1.8। जब इसे सॉल्व करोगे टेन इनवर्स करके, आप सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स और ये आपके पास आ गया अपॉन 9 माइनस 5.4 अपॉन 2 इंटू 1.8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब हम मेरिडिनल फोर्स निकाल सकते हैं किस तरीके से निकालेंगे, V2 हमारे पास आ गया 232 मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस 45, तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 164.05 किलोन्यूटन पर मीटर। मेरिडिनल फोर्स निकाल लिया, अब हमें देखना है कि ये सेफ है या नहीं है, तो मेरिडिनल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। वो अगर सिग्मा सीसी से छोटा होगा, तो सिग्मा सीसी के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। तो अब हमें कहना है मेरिडिनल स्ट्रेस निकालना होगा, मेरिडिनल स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक, तो फोर्स अपॉन एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास मेरिडिनल फोर्स 164.05 ठीक है इंटू किलोमीटर है 10^3 अपॉन एरिया। एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, थिकनेस इंटू लेंथ। एरिया हमारे पास यहाँ पे अपॉन एरिया, एरिया में लिखूँ एरिया मेरे पास हो जाएगा थिकनेस इंटू लेंथ।
तो एरिया हम लिख सकते हैं, थिकनेस को हमारे पास है 150 इंटू लेंथ है 1 मीटर, तो 1000 ये हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे, हटा दो एरिया चाहो तो, जब आप 115,000 से सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.82। ये होना चाहिए सिग्मा सीसी से छोटा होना चाहिए। सिग्मा सीसी फॉर M25 मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, M25 होता है 6, तो देखिए 6 से छोटा है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे ओके सेफ। हाँ, इसका मतलब ये ओके है और सेफ है, आप आगे फर्दर डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपको क्या देखना होगा, अब इसे, अब हमारे पास मेडियनल फोर्स हमारे पास यहाँ तक, ठीक है। अब हमें देखना होगा हुप टेंशन, डिज़ाइन फॉर हुप टेंशन। हुप टेंशन के लिए फिर डिज़ाइन करना होगा, मतलब कि हुप टेंशन कह लीजिए या फिर सर्कमफ्रेंशियल फोर्स के, मेडियनल फोर्स के लिए कर लिया, अब सर्कमफ्रेंशियल फोर्स के लिए करेंगे या फिर आप कह सकते हो हुप टेंशन। अब इसका ए पार्ट तो यही था, ए पार्ट मैंने लोड्स का आपको बता दिया था, ए पार्ट लोड का बता दिया, मेडियनल फोर्स हो गया था। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट के फॉर्म में आप लिख लो, इसका बी पार्ट है डिज़ाइन फॉर हुप टेंशन, डिज़ाइन फॉर हुप, डिज़ाइन फॉर हुप टेंशन। हुप टेंशन की वजह से कैसे डिज़ाइन होगा, इस हुप टेंशन डिज़ाइन हुप टेंशन को हम इसे एच टी से भी शो कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है गाइस, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एच टी इज इक्वल टू पी कॉसेक थीटा प्लस क्यू कॉट थीटा इंटू डी बाय टू। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है डिज़ाइन ऑफ हुप टेंशन का, डिज़ाइन ऑफ हुप टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है। अब हमें एक एक करके समझना है कि क्या क्या है। तो पी क्या है आपके पास, पी होता है वाटर प्रेशर, पी होता है आपके पास वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर जो कि आपका कैसे निकलता है, गामा ओमेगा इंटू एच टू, गामा ओमेगा इंटू, क्योंकि वाटर प्रेशर सिलिंड्रिकल वॉल की वजह से होता है। तो यहाँ पे 9.8 इंटू एच टू, आपको पता है एच टू था आपके पास 3.3, ये आपका आ गया 35.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझना। क्यू क्या होता है, क्यू होता है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, क्यू क्या होता है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, क्यू होता है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब आपको पता ही है। अब सेल्फ वेट, जब आपकी वेट की बात आती है तो आप उसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास आपको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो RCCU की होगी, वॉल्यूम आपके पास स्लैब की, स्लैब की आपके पास वॉल्यूम क्या करनी है, निकालनी है। तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब आपको निकालना है। तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब आप कैसे निकालोगे, तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब निकालोगे आप, तो Q आपके पास, Q का आप फॉर्मूला लिख सकते हो T इंटू L, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ पे आपका T आपको पता है मैंने 200 mm लिया था, 0.2 L का 1000 है, तो 1 मीटर में इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास हो गया स्लैब 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू की भी वैल्यू आ गई 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे हुप टेंशन टॉप ऑफ द कोनिकल डोम, ये जो है आपका टॉप ऑफ द कोनिकल डोम पे निकलता है, एट टॉप ऑफ द कोनिकल डोम, एट टॉप ऑफ कोनिकल डोम, ये वाला फॉर्मूला है, ये आपका टॉप कोनिकल डोम के बिल्कुल टॉप पे वैल्यू देता है। तो कोनिकल डोम के टॉप पे वैल्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला जस्ट पुट कर दोगे एच टी के में, एच टी इज इक्वल्स टू पी, पी हमारे पास है 35 पॉइंट, आपके पास है 35.28 कॉसेक 45, थीटा 45 आया था, क्यों थीटा 45 आया था, थीटा भी हमने निकाला था, थीटा की वैल्यू 45 आई थी, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो कॉसेक 45 प्लस क्यू, क्यू हमारे पास है 5 कॉट 45, डी हमारे पास है 9/2, तो एच टी की वैल्यू आप सॉल्व करोगे यहाँ से आ जाएगी 134.76 आएगी, 7682 आएगी, अब 135 किलोमीटर मान लोगे। तो यहाँ पर आ गया हुप टेंशन टॉप ऑफ द कोनिकल डोम, कोनिकल डोम के बिल्कुल टॉप पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास हुप टेंशन आ गया पूरा, अब यहाँ से आप एस टी निकाल लोगे, एस टी आपको पता ही है आपके पास 135 इंटू 10^3, मतलब कि 1000 सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी से हम डिवाइड करते हैं, सिग्मा एस टी क्या होता है 150, ये क्या आपके पास सिग्मा एस टी, और ये क्या है आपके पास, ये है
ठीक है, जब ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ गया 900 mm square। तो अब आप इसमें कौन सी बार यूज़ करोगे। अब आपके पास 900 mm square है, तो आपके पास जब 900 mm square है तो आप बार यूज़ कर सकते हो, 10 mm की बार यूज़ कर सकते हो, 10 mm की बार यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो प्रोवाइड यूज़ 10 mm डायमीटर बार। अब आप यहाँ पे स्पेसिंग निकालोगे, स्पेसिंग कैसे निकालोगे, स्पेसिंग आप यहाँ पर निकाल लो, स्पेसिंग आपके पास होगी 5/4 × 10² डिवाइडेड बाय आपके पास ए एस टी। मगर हमें यहाँ पर जो AST देनी पड़ेगी, हमें ईच फेस पर AST देनी पड़ेगी, ईच फेस पर AST देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिख देना है AST एट ईच फेस इज इक्वल टू 900 / 2 = 450 mm। ये AST एट ईच फेस हमें देना पड़ेगा, मतलब दोनों फेस पर, कॉनिकल डोम के दो फेसेस होंगे ना, एक फेस इधर होगा एक फेस उधर होगा, तो दोनों फेस पे AST देना पड़ेगा। तो टोटल AST आता है कॉनिकल, पूरे कॉनिकल डोम पे जो पूरा AST यूज होगा वो 900, तो आधा आधा देना होता है। तो 450 mm square डिवाइडेड बाय उसका हाफ एरिया से डिवाइड कर दोगे, एक तरफ का निकाल लोगे तो दूसरे तरफ का सिमेट्रिकल अपने आप हो जाएगा। 450 ये आपके पास आएगा 174.5 कुछ आएगा, आप इसे तकरीबन मान लोगे 150 ले लोगे, 150 mm आप इसे ले लोगे। तो आप यहाँ पर कह दोगे यूज़ 10 mm बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ फेसेस, दोनों फेसेस पे आप यूज़ कर लोगे। ठीक, आप दोनों फेसेस पे क्या कर लोगे, यूज़ कर लोगे। अब उसके बाद ST अब लोअर एंड पे भी तो निकालना होगा। अब थी तो आपका ये तो AST प्रोवाइड हो गया हमारे पास अपर एज पर कॉनिकल डोम के। अब ST फॉर लोअर एज पर यूज़ करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ले सकते हो हुप टेंशन एट लोअर एज। भाई आपके पास हुप टेंशन अपर एज पर निकल गया, हुप टेंशन कहाँ निकल गया, अपर एज पर निकल गया आपके, हुप टेंशन अपर एज पर। अब आपको लोअर एज पर भी तो निकालना होगा। लोअर एज पर कैसे निकालोगे, लोअर एज पर इसको आप मान लो HB से, इसको आप मान लो HB से, लोअर एज को हुप टेंशन एट लोअर, बी फॉर बेस लोअर एज, ठीक है बेस पर। तो HB से आप शो कर लो। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला जो क्रिएट होता है, वो आपका फॉर्मूला क्रिएट होता है HB इज इक्वल्स टू P cos थीटा प्लस का Q tan थीटा इंटू D0/2। ये आपके पास क्या होता है, हुप टेंशन एट लोअर एज का फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से आप वैल्यू को निकालते हो। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, एट टॉप ऑफ द कॉनिकल डोम। ये आपका क्या होता है, लोअर एज के लिए। तो लोअर एज के लिए अब आपको एक एक करके निकालना है। पी जो तो आपको पता ही है, पी मैंने आपको बता रखा था वाटर प्रेशर। तो वाटर प्रेशर आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो पी हमारे पास आपको पता ही है क्या होता है, वाटर प्रेशर। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, पी आप निकाल लोगे यहाँ से, गामा ओमेगा आप लिख लोगे, गामा ओमेगा इंटू D0 प्लस का H3। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे गामा ओमेगा D0 प्लस का H3। तो हमारे पास गामा ओमेगा हो जाएगा 9.8, D0 आपको पता ही है, एक मिनट, सॉरी D0 नहीं, H2 H2, ठीक है H2 प्लस H3 करेंगे ना, क्योंकि H2 प्लस H3 करेंगे जब, तो वाटर प्रेशर इसकी वजह से जो वाटर प्रेशर होगा और यहाँ पर जो वाटर होगा, वो प्रेशर लगाएंगे ना लोअर पे, इतना जो वाटर होगा गाइस, सिलेंड्रिकल वॉल के बीच में पानी होगा और यहाँ पे जो पानी होगा, तो ये प्रेशर लगाएंगे ना बेस पर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी हाइट को और इसकी हाइट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट हम लेंगे लेंगे H2 प्लस H3 करेंगे इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा H2 प्लस H3, H2 आपके पास है 3.6 प्लस H3 आपके पास है 1.8। जब आप यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी 53 किलो न्यूटन। पी आ गई आपके पास 53 किलो न्यूटन। जब आपके पास पी आ गई आपके पास 53 किलो न्यूटन, तो आप आराम से क्यू वही रहेगा, क्यू की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि वही थिकनेस होगी इसकी, वही लेंथ होगी, वही स्थिति होगी, तो क्यू की वैल्यू वही रहेगी, क्यू की वैल्यू सेम रहेगी। क्या होगी क्यू की वैल्यू, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसमें आप पुट करोगे वैल्यू उसको,
तो आप गैस यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। पी की वैल्यू आपको पता था 53 आई है, कॉस 45 आपको आपने निकाल चुका है, तो 5 यहाँ पर 10 45 ये आपके पास हो गया। डी नॉट आपको पता ही है, डी नॉट क्या होता है, डी नॉट आपके पास आया था 5.4। गैस मैं पहले वैल्यू सब निकाल चुका हूँ, आपको पता होगा फर्स्ट लेक्चर में निकाला था टी नॉट की वैल्यू, मैंने 5.4 H1 H2 H3 H4 की वैल्यू निकाल चुका था। तो ये आपका आ गया 5.4 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाई 2। जब आप यहाँ से निकालोगे तो एच बी की वैल्यू आ गई 114.7 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, एच बी। अब आपके पास हुक टेंशन अपर बेस ऑफ अपर एच ऑफ कोनिकल डोम और लोअर एच ऑफ कोनिकल डोम पे आपके पास दोनों पे वो है। आपके पास अपर एच पर आपके पास क्या आया था, एच टी आया था, तो आपने एच टी निकाल दिया, प्रोवाइड कर दिया था। आपके पास लोअर एच पर हुप टेंशन आएगा तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, एच टी निकालोगे, उसे हाफ करोगे, स्पेसिंग निकालोगे और बार प्रोवाइड कर दोगे। तो इसी तरीके से सेम करेंगे, एच टी हम यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, निकालेंगे एच टी हमारे पास, हम यहाँ पर एच टी जो निकालेंगे हम 0.3% प्रोवाइड करेंगे, 0.3% ऑफ एएसटी, 0.3% आप प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, इंटू थिकनेस कितनी है 200, इंटू लेंथ कितनी है 1000। जब आप गाइस इसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 600 mm² आ जाएगा। एएसटी ऑन ईच फेस निकाल लो, एएसटी ऑन ईच फेस, ईच एएसटी ऑन ईच फेस कैसे निकालोगे, ऑन ईच फेस एएसटी ऑन ईच फेस कैसे निकालोगे, आप 600 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आपके पास आएगा 300 mm² आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, स्पेसिंग निकालनी है आपको, स्पेसिंग जब आप निकालोगे तो स्पेसिंग आप निकाल लो यहाँ से, आपको पता है कि एरिया ऑफ वन बार पाई 4 इंटू, आप कितने बार लोगे, आप 8 mm की बार ले लो। ठीक है, क्योंकि अपर एच पर आपने क्या लिया था, आपने 10 mm की बार यूज़ कर ली थी और उसका था 900 AST था, 900 मतलब 450 आ गया था, 450 पर 450 के एरिया पे 10 mm की बार यूज़ कर लिए, तो आप 300 पे तो थोड़ा सा कम mm की बार प्रोवाइड करोगे, तो आप 8 mm की बार प्रोवाइड करो। जैसे जैसे AST का एरिया कम होता रहता है वैसे वैसे बार का डायमीटर भी कम होता रहता है, और जैसे AST का एरिया बढ़ता है वैसे वैसे डायमीटर बार भी इंक्रीज हो जाता है, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे 8 mm की बार मैं अभी लिख दूंगा, 8 mm की बार प्रोवाइड बाय AST डिवाइड बाय 300, तकरीबन आएगा आपके पास, तकरीबन आ रहा है 150 के करीब आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर ऑन बोथ फेसेस, ऑन बोथ फेसेस। तो गाइस यहाँ पर आपका होता है कोनिकल डोम डिज़ाइन हो चुका है। तो आपने क्या करा था कोनिकल डोम के लिए, कोनिकल डोम के ऊपर आपके पास जितने भी लोड्स आ रहे हैं गाइस वो सब आप निकाल लो, मैंने आपको सब एक बिल्कुल डिटेलिंग में बता रखा है। आपने टोटल लोड निकाल लेना है, टोटल लोड निकालने के बाद आपको मेडिनल, आपको चेक करना है कि ये सेफ है नहीं है लोड्स, तो आपको मेडिनल फोर्स निकाल लोगे, सारे फॉर्मूला आपको पता है। फिर मेडिनल स्ट्रेस निकालो, मेडिनल स्ट्रेस सिग्मा CC से कम होना चाहिए, तो वो 6 बड़ा था और ये वैल्यू कम थी, तो ओके सेफ। अब डिज़ाइन फॉर हुप टेंशन, हुप टेंशन आपके अपर एच पर भी होता है, लोअर एच पर भी होता है। अपर एच के लिए फॉर्मूला ये है, अपर एच के लिए फॉर्मूला यू करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो गाइस, और ये आपके पास लोअर एच के लिए ये है, लोअर एच पे आप फॉर्मूला पुट करके और आपके पास वैल्यू आ सकती है। आपको हाफ AST करके आपको सारी बार प्रोवाइड कर देनी है, तो यहाँ पर आपने AST प्रोवाइड कर दी, तो यहाँ पर आपका कोनिकल डोम डिज़ाइन हो चुका है। तो गाइज अब हम डिज़ाइन करेंगे अपना लास्ट कंपोनेंट, डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम। डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम के लिए मैं आपको दिखा दूँ, बॉटम डोम आपके पास ये आपके पास गाइस टॉप डोम था, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बॉटम डोम है। तो इस बॉटम डोम को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। तो डिज़ाइन ऑफ बॉटम डोम में भी हम अपने स्टेप्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें गाइस लेना पड़ेगा टोटल लोड, जैसे उसमें लिया था कोनिकल डोम में, सबसे पहले हमें लोड्स निकालने पड़ेंगे, लोड्स ऑन बॉटम डोम। बॉटम डोम में वो कौन कौन से लोड्स हैं जो लग रहे हैं, तो लोड्स ऑन बॉटम डोम पे सबसे पहले गाइस, सबसे पहले की बात है, सबसे पहले लगेगा सेल्फ वेट, लगेगा बॉटम डोम का सेल्फ वेट ही तो लगेगा। तो सेल्फ वेट ऑफ बॉटम डोम ऑफ बॉटम डोम
सेल्फ वेट ऑफ बॉटम डोम, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ सेल्फ वेट की जब बात आती है, जब आपके पास सेल्फ वेट की बात आती है, आप एक ही बात ध्यान में लाना, आपको एक ही बात ध्यान में लानी है, आपको डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ आपके पास आर सी सी की, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सेल्फ वेट ऑफ डोम, डोम में सेल्फ वेट में कौन कौन से होंगे। अब आप ये बताइए कि ये नीचे का बॉटम डोम है, इसके ये सेल्फ वेट, मतलब इसके खुद के कौन कौन से, किन किन वजहों से इसके खुद के सेल्फ वेट लग रहे होंगे। एक तो देखिए इसकी सरकमफ्रेंस जो होगी, इसके नीचे की सरकमफ्रेंस होगी उसकी वजह से इसका लोड होगा। हम लिख लेते हैं एक एक करके, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस की वजह से लोड लगेगा, समझ में आता है, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है, इसकी वजह से इसका जो लोड है कुछ लगेगा, इसकी जो हाइट है, इसकी इसकी जो हाइट है गाइस, हाइट की वजह से कोई एक लोड लेगा। और आपको बताया कि वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसका मतलब तीन ही वैल्यूज आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना होगा। एक इसकी हाइट की वजह से भी लगेगा, एच फोर जो हाइट है उसकी वजह से भी लगेगा, एक इसकी हाइट की वजह से लगेगा, और किसकी वजह से लगेगा, और क्या इसकी वजह, इसकी थिकनेस है, इसकी जो मोटाई होगी उसकी थिकनेस की वजह से लगेगा, है ना, इसकी थिकनेस की वजह से लगेगा, इसके थिकनेस की वजह से लेगा। हम थिकनेस तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक एक करके लोड्स अब हम सेल्फ वेट हमसे लिख सकते हैं। सेल्फ वेट ऑफ बॉटम डोम इज इक्वल टू सरकमफेरेंस की वजह से लग रहा है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू इंटू पाई इंटू आर, यहाँ तक ठीक है। हाइट की वजह से लग रहा है, इंटू हाइट, ठीक है। थिकनेस की वजह से लग रहा है, इंटू थिकनेस, ठीक है। और क्या है, डेंसिटी ऑफ आरसीसी, तो है डेंसिटी ऑफ आरसीसी, ठीक है। अब यहाँ पर आर टू, ये बताइए आर कौन सा होगा, आर वन होगा या फिर आर टू होगा। आर वन तो टॉप डोम के लिए था, आर टू बॉटम डोम के लिए छोटा वाला लगेगा, तो यहाँ पास आर टू। एच कौन सा लगेगा, एच इसमें एच फोर ही तो लगेगा, इसकी हाइट ही तो होगी एच फोर, तो एच फोर यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर आए थिकनेस, हम मान लेते हैं थिकनेस, हम मान लेते हैं लेट थिकनेस ऑफ बॉटम डोम, हम मान लेते हैं कितनी भी आप ले लो, 150 mm ले लो, 200 mm, 150 mm ले लो, 150 mm हम ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 0.15 mm आपका हो सकता है, ठीक है। R2 का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था पहले भी गाइस, R2 का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था क्या था, इज इक्वल्स टू था डी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का एच फोर का होल स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एच फोर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले को आप रखना, इसे सॉल्व करना, लाइन में सॉल्व कर देता हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी नॉट क्या है, 5.4 डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का टू एच फोर, आपके पास टू है याद रखना, एच फोर टू का होल स्क्वायर, टू इंटू एच फोर आपके पास क्या है, टू। गाइस एच फोर, ये सारी वैल्यूज मैंने पहले ही लेक्चर में निकाल दी थी, तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। एच फोर आपके पास क्या था, आपके पास था टू, ठीक है, एच फोर आपके पास है टू, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा टू, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से वापस सॉल्व करोगे गाइस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.8 ही आ रहा है, तो ये आपके पास आएगा 2.8 meter, ठीक है। और भी कुछ, और तो कुछ निकालना नहीं है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दोगे, जब आप यहाँ पर वैल्यूज रखोगे तो ये आपके पास है 2πr2 इंटू एच फोर इंटू टी। रटने की ज़रूरत नहीं है किसी फॉर्मूले को, आप उस फॉर्मूले को समझो क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला, अब रटने की ज़रूरत नहीं, किसी फॉर्मूले को रटना नहीं चाहिए। तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर टू 2.8 इंटू एच फोर 2 इंटू थिकनेस 0.15 इंटू और डेंसिटी ऑफ आरसीसी 25, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, इतना तो आप कर लोगे, तो वो आपके पास आएगा 132 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा सेल्फ वेट, ठीक है, सेल्फ वेट आ गया। अब सेल्फ वेट हमारे पास इसका आ गया, और कौन सा वेट लगेगा इसके ऊपर, ये जो है इसके ऊपर और कौन सा वेट लगेगा, इसके ऊपर पानी का वेट लगेगा ना, इतने में जो पानी फिल्ड है, एक तो सिलेंड्रिकल वॉल्व में H2 की हाइट जो है H2, और यहाँ पर H2 और D के एरिया में पानी जो भरा हुआ है इसकी वजह से वेट लगेगा, और यहाँ पर जो इस जगह जो पानी भरा होगा इनकी वजह से वेट लगेगा, और इसमें इसकी ये जो है ये आपका खाली रहेगा, ये वाला जो एरिया है पानी से खाली रहेगा, तो आपको पूरा का पूरा एरिया ये निकालना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकाल लो, और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो इतना पानी जो उसमें फिल्ड है उसका वेट आ जाएगा। तो आप किस तरीके से निकालोगे,
वेट ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, पहला हमारे पास इस तरीके से, दूसरा हमारे पास वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर का मैं आपको फॉर्मूले के फॉर्मेट में बता देता हूँ। वेट ऑफ वाटर को आप कह सकते हो कि सबसे पहले आपको वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये सब में जो वॉल्यूम है पानी फिल्ड है, तो ये आपके पास है पाई बाय फोर, तो ये आपके पास आ जाएगा गाइस पाई बाय फोर डी नॉट स्क्वायर एच टू प्लस का एच फोर, ये आपके पास आएगा माइनस, माइनस आपको वॉल्यूम ऑफ बॉटम डोम का एरिया वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है ये आपके क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आप माइनस कर दो इसके वॉल्यूम को, माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री एच फोर का स्क्वायर थ्री आर टू माइनस का एच फोर, ये आ जाएगा इंटू गामा ओमेगा। ठीक है, यह फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बस वैल्यूज पुट करता हूँ इसमें। आपको देखो डी नॉट आपको पता है कितना है, डी नॉट आपको पता है 5.4 है, एच टू आपको पता है कितना है, एच टू हमें पता है, मैं देख लेता हूँ एच टू कितना है, आई थिंक 3.6 है जी, 3.6 से आपको पता है 3.6, एच फोर आपको पता है 2 है, एच फोर आर टू, आर टू आपको अभी मैंने निकाला 2.8 है, और 2.9 गाँव ओमेगा की वैल्यू 9.8 है, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1125.5 किलो न्यूटन, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ पर टोटल लोड निकाल लो आप यहाँ से, टोटल लोड, टोटल लोड आप निकाल लो, आप इस लोड को और इस लोड को, इस लोड को और इस लोड को ऐड कर दो, तो 132 प्लस का 1125.5 जब आप करोगे तो ये आएगा 1257.5 किलो न्यूटन। तो गाइस ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास टोटल लोड आ गया बॉटम डोम पर, टोटल लोड आ गया, आप क्या निकालोगे, वही मेरिडिनल फोर्स निकाल लोगे आप यहाँ से, मेरिडिनल फोर्स निकाल लोगे, उसके बाद उसके मेरिडिनल स्ट्रेस निकाल लोगे, ताकि आप चेक कर पाओ कि सेफ है या नहीं है, तो आप मेरिडिनल फोर्स निकाल लो, कहने से पहले ही आप सॉल्व कर सकते हो, मेरिडियनल फोर्स निकाल लो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरिडियनल फोर्स निकाल लो, ठीक है, फिर मेरिडियनल स्ट्रेस निकाल लो, चेक कर लो, फिर सर्कमफेरेंस फोर्स निकाल लो, फिर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकाल लो, फिर चेक है कि सही, ठीक है, ओके, सेफ है कि नहीं है, उसके बाद ऐसे से डिज़ाइन कर दो आप जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो, मतलब आप निकालो मेरिडियनल फोर्स, मेरिडियनल फोर्स, तो मेरिडियनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मेरिडियनल फोर्स का आपको पता है कि फॉर्मूला होता है ओमेगा, ओमेगा आर अपन वन प्लस कॉस फाई, ठीक है, ओमेगा आर अपन वन प्लस कॉस फाई, ओमेगा आर अपन वन प्लस कॉस फाई, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आर जो होगा आर टू होगा, अब यहाँ से ओमेगा क्या है, ओमेगा गाइस यहाँ पर है लोड पर यूनिट एरिया, लिख लीजिए आप लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा टोटल लोड, जो भी आपके पास टोटल लोड होगा आप उसे डिवाइड कर दो पाई डी नॉट बाय टू के होल स्क्वायर से, आप उसे डिवाइड कर दो पाई डी नॉट बाय टू के स्क्वायर से, आप उसे डिवाइड कर दो, डी नॉट आपके पास है, टोटल लोड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, मैं आपको एक और वैल्यू लिख देता हूँ, आपको पता है कि टोटल लोड आपके पास कितना है 1257.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, पाई आपके पास है 3.14, डी नोट आपके पास है 5.4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपके पास ओमेगा आ गया, आर टू आपको पता है, आर टू आपके पास होता है 2.8, मैंने अभी निकाला है आर टू के आपके पास 2.8, ठीक है, आर टू आपके पास हो गया 2.8, उसके बाद कॉस फाई, फाई की वैल्यू आती है, फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं फाई की वैल्यू भी निकालना आसान है, आप कह सकते, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि साइन फाई, आप लिख लो साइन फाई इज इक्वल्स टू डी नॉट अपॉन टू आर टू, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी नॉट अपॉन टू आर टू, ये सब कॉनिकल डोम की वजह से जो भी आपका डायग्राम है उसमें से हम सॉल्व करके निकालते हैं, तो ये आपके पास आ गया, तो आपके पास हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी नॉट 5.4 अपॉन 2 इंटू आर 2 2.8, जब आप सॉल्व करोगे फाइव इज इक्वल टू, लाइए मैं सॉल्व करके देखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स अपॉन में 5.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.8,
यहाँ पर आपके पास क्लोज, ये आपके पास देखिए 74 पॉइंट, आप ले लो 74 डिग्री, ले लो आप, ले लो 74 डिग्री, आप ले लो अप्रॉक्सीमेटली ले लो, तो 74 डिग्री आप ले लो, आपके पास फाइव आ गया। तो मेडिनल फोर्स आप निकाल सकते हो ना, मेडिनल फोर्स आप लिख लो, ओमेगा आपके पास आ गया 55 इंटू आर टू आपके पास 2.8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस फाइव आपके पास आ गया 74। जब गाइस आप इसे सॉल्व कर लोगे ना, जब आप इसे मेडिनल फोर्स को सॉल्व कर लोगे तो मेडिनल फोर्स आपके पास आ जाएगा 119.8 किलो न्यूटन पर मीटर। मेडिनल फोर्स आ गया, अब आप क्या निकालोगे, मेडिनल स्ट्रेस निकाल लोगे, मेडिनल स्ट्रेस निकाल लो। मेडिनल स्ट्रेस कैसे है, फोर कैसे निकालो, फोर्स अपॉन एरिया भाई, वर्क्स ऑन 19.8 इंटू 10 to the power 3 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, थिकनेस इंटू लेंथ, एरिया मतलब यहाँ पे एरिया थिकनेस इंटू लेंथ, ये आपके पास थिकनेस है 150 इंटू आपके पास लेंथ है 1 मीटर, तो आपके पास 1000 थिकनेस, ये आपके पास क्या है थिकनेस और ये आपके पास क्या है लेंथ, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.6, ये सिग्मा सीसी से कम होना चाहिए, और M25 के लिए सिग्मा सीसी होता है 6, तो ये आपके पास छोटा है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ओके सेफ, ठीक है। आप कहने वाले मेडिनल स्ट्रेस और मेडिनल फोर्स का काम कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पर निकालोगे सरकमफेरेंशियल फोर्स। अब आप निकालोगे सरकमफेरेंशियल फोर्स, सरकमफेरेंशियल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखो तो सरकमफेरेंशियल फोर्स के लिए फॉर्मूला जो होता है, सॉरी वो होता है ओमेगा आर टू, ठीक है, ओमेगा आर टू ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन वन प्लस कॉस फाइव, ये फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंशियल फोर्स के लिए। आपको सारी वैल्यूज पता है यार, आप तो रखो और निकालो। ओमेगा आपको पता है, अभी आपने निकाला 55, ये आपने निकाला 2.8, ये आपको ब्रैकेट लगाया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस आपने अभी निकाला 74, जब आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 34.2 किलो न्यूटन सरकमफेरेंशियल फोर्स आ गया। अब इसका स्ट्रेस निकाल, सरकमफेरेंशियल फोर्स की जो स्ट्रेस होती है उसे कहते हैं होप स्ट्रेस कहते हैं, याद रखना सर्कमफेरेंशियल फोर्स में ना सर्कमफेरेंशियल फोर्स अगर है, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेस निकलती है सर्कमफेरेंशियल फोर्स की जो स्ट्रेस होती है गाइस उसे हम कहते हैं हुप स्ट्रेस, ठीक है, याद रखना इस बात को, हुप स्ट्रेस कह लो, हुप स्ट्रेस आप कह सकते हो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली, हुप स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 34.2 किलो है तो 10 to the power 3 ये आपके पास आ गया न्यूटन, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, थिकनेस इंटू लेंथ, कई बार बता चुका हूँ, सेशन ख़त्म होने को है याद कर लो, इंटू लेंथ 1000, ठीक है, ये आपके पास है थिकनेस और ये आपके पास है लेंथ। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.23 समथिंग आएगा, सिग्मा सीसी से कम होना चाहिए, सिग्मा सीसी में होता है M25 के लिए 6 होता है यार, याद रख लो 6 होता है कम है, तो क्या हो गया ओके सेफ, ठीक है। दोनों चीज़ें मेडिनल फोर्स हमारे पास हमने निकाल चुके हैं, तो हम हमारे पास ओके सेफ का टैग मिल चुका है, हम सर्कमफेरेंशियल फोर्स और हुप स्ट्रेस उसका निकाल चुके हैं, ओके सेफ का टैग मिल चुका है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे भाई, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो मिनिमम अब रेनफोर्समेंट कितना परसेंट प्रोवाइड करेंगे, कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो हम मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, तो हम कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था, याद रखा करो यार, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 0.3 माइनस 0.1 थिकनेस माइनस 100 अपन 450 माइनस 100 कितना होगा 350 हो जाएगा, ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस पे पुट करके आप परसेंटेज आप निकाल सकते हो, कितने परसेंटेज को आपका आपने एएसटी निकालना ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, कितनी आपने थिकनेस दी हो उसके थिकनेस के बेसिस पे आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते, कितना परसेंट मुझे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, कितनी परसेंट और से प्रोवाइड करनी, तो आप उस हेल्प से निकाल लो 0.3 माइनस का 0.1 थिकनेस आपकी कितनी थी 150 थी, यस 150 माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 350, जब आप गाइस सॉल्व करोगे 0.283 आ जाएगा, 0.283 परसेंट जाएगी। अब क्या दिक्कत है, निकाल लो ना यार सीधी, आप एएसटी निकाल लो, एएसटी आपके पास आएगा 0.283 डिवाइडेड बाय 100 इंटू थिकनेस इंटू लेंथ, थिकनेस कितनी है 150, लेंथ कितनी है 1000, ठीक है, इसमें क्या है बड़ी बात, 424
6.5 mm square, ठीक है, ये आपके पास AST आ गई। अब वही बात है, आपको AST तो आ गई आपके पास, अब आपको किस में प्रोवाइड करनी है, ईच फेस पे प्रोवाइड करनी है ना, तो आप लिख लो AST ऑन ईच फेस, AST ऑन ईच फेस, तो AST ऑन ईच फेस आप कर लो 424.5 को डिवाइड कर लो आप 2 से, वो आएगा 212.25 mm square, ठीक है। आप प्रोवाइड करो 8 mm बार यूज़ कर लो, 2 से 12 बहुत कम एरिया है, 8 mm की बार प्रोवाइड कर लो, ठीक है, 8 mm बार प्रोवाइड कर लो, तो आप लिख लो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार। स्पेसिंग कितनी आएगी, स्पेसिंग कितनी आएगी, स्पेसिंग हम निकाल लेंगे, स्पेसिंग आप यहाँ पे निकाल लो, स्पेसिंग आएगी पाई बाय 4 × 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 212, मतलब 212.25। जब स्पेसिंग निकालोगे तो ये आ जाएगा तकरीबन आपका, मैं निकाल के दिखाता हूँ, 0.785 मल्टीप्लाइडेड बाय 864 डिवाइडेड बाय 212.25। जब आप सॉल्व करोगे इतना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे ये आ जाएगा 236.70। 200 mm ले लो, हम बहुत करीब लेते हैं तो ले लेते हैं हम 200 mm, ठीक है, 200 mm लेते हैं, लिख दो ऐसे, लिख दो एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर ऑन ईच फेस ईच। तो ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया, हमारे पास बॉटम डोम भी हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। तो हमने कितने डिज़ाइन कर लिए हैं, तो गाइस हमने डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम हमने डिज़ाइन कर लिया था, टॉप रिंग भी हमने डिज़ाइन कर लिया था, सिलेंड्रिकल वॉल डिज़ाइन कर लिया था, बॉटम रिंग बीम डिज़ाइन कर लिया था, कोनिकल डोम हमने आज डिज़ाइन कर लिया, बॉटम रूम हमने ये हमने पार्ट 1 में कर लिया था, ये पार्ट 2 में कर लिया, ये पार्ट 3 में कर लिया था, ठीक है। अब आपके पास है डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर बीम, अगर आप सर्कुलर बीम की अगर आपको डिज़ाइन करना है और आपको ज़रूरत है सर्कुलर बीम, अभी मैं डिज़ाइन करके दिखाऊं आपको, तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो अगर आपको इस सीरीज़ में एंड स्टैंग आज ख़त्म होता है, एंड स्टैंग आज फुल्ली डिज़ाइन हो चुका है, यहाँ पर आपका एंड स्टैंग ख़त्म होता है, ठीक, एंड स्टैंग आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। अब हम डिज़ाइन करेंगे ओवरहेड टैंक, सर्कुलर ओवरहेड टैंक को अब हम डिज़ाइन करेंगे, अब हम सर्कुलर ओवरहेड टैंक को डिज़ाइन करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर लीजिएगा, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हो, या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, थैंक यू।